नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेरिका से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अलास्का एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स 9 उड़ान भरने के बाद में जब ऊंचाई पर हवा में पहुंचा तो एक उसका दरवाजा अचानक से खुल गया और बाद में चालक दल की सूझबूझ से इसे पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। घटना के बाद में पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। वहीं विमान में मौजूद एक पैसेंजर का कहना था कि आवाज इतनी तेज थी कि लगा कान फट जाएंगे। वहीं एक और पैसेंजर का कहना है कि प्लेन में सन्नाटा छाया हुआ था। रियल टाइम एयरक्राफ्ट मूवमेंट मॉनिटर के अनुसार घटना में शामिल बोइंग 737 मैक्स 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिसे सुरक्षित रूप से वापस पोर्टलैंड ले जाया गया और मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विमान में 171 पैसेंजर और साथ ही 6 क्रू मेंबर सवार थे।